एतवार के दिन जेल में कौन मिलता है? क्या जस्टिस मंसूर हुकूमत के लिए खतरा है? हामिद मीर ने बड़ी गेम से पर्दा उठा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हामिद मीर ने कहा, मैं तहरीक इंसाफ का जलसा मंसूख होने से बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। एक रात पहले ही पता चल गया था कि कुछ रबते हो रहे हैं और कोशिशें जारी हैं कि इमरान खान से जेल में रबता किया जाए। मैं सो गया था और सुबह पता चला कि जलसा मुलतवी कर लिया गया। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इमरान खान से जेल में रबतों का सिलसिला काफी अरसे से जारी है। ये बात हकीकत के काफी करीब है कि अली अमीन गंडापुर पैगाम लेकर खान साहब तक पहुँचाते हैं और इमरान खान अपना जवाब अली अमीन गंडापुर के जरिए ही पहुँचाते हैं। वज़ीर-ए-आला के पी वही करते हैं जो इमरान खान कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। हामिद मीर ने कहा कि मुझे हुकूमत के एक आदमी ने काफी दिन पहले बताया था कि एतवार वाले दिन जेल खुलती है और इमरान खान से कोई मिलता है। मैंने तहकीक की तो पता चला कि एतवार वाले दिन अली अमीन गंडापुर ही जेल में आकर बनते हैं। इमरान खान ने जलसा मुलतवी करके बहुत अच्छा पैगाम दिया। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में आ गई है। अब 8 सितंबर को पता चलेगा कि हुकूमत जलसे की इजाजत देती है या नहीं। अगर जलसे की इजाज़त मिल गई तो ये सियासत के लिए अच्छी खबर है। हामिद मीर ने कहा, पार्लियामेंट में हुकूमत के पास इतने नंबर नहीं कि वो कोई कानून लेकर आए। अपने जाती तजुर्बे की बुनियाद पर कहता हूँ कि जिन जजेस के पीछे हमने स्टैंड दिया, इनके फैसले गलत साबित हुए। हुकूमत ये समझती है कि किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो ये इसकी खाम ख्याली है। मंसूर अली शाह की हुकूमत के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात और दुश्मनी है, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे वही रवैया रखेंगे चीफ जस्टिस का जो होना चाहिए और जो चीफ जस्टिस का होता है। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट मैच जीत लिया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पिंडी टेस्ट जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त से दोचार कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट मैच जीत लिया। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पिंडी टेस्ट जीत लिया। तारीखी फतह। बांग्लादेश की तारीखी फतह। पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त देकर बांग्लादेश जीत गया। रावलपिंडी टेस्ट पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश। टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी। पिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी। मैचेस की सीरीज में कौमी टीम इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम दूसरी इनिंग में 146 रन बनाकर आउट। नवाज शरीफ की वापस रवानगी, वजह क्या बनी? इमरान खान आसाबी जंग जीत गया। इमरान रियाज खान ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। सहाफी इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में बताया, नवाज शरीफ वापस अपने देश जा रहे हैं, यह खबर इमरान खान ने दी। मैंने पहले ही कहा था कि काजी फाइजीसा नहीं होंगे तो नवाज शरीफ भी नहीं होंगे। नवाज शरीफ क्यों बरतानिया जा रहे हैं, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। इमरान रियाज खान ने कहा, नवाज शरीफ को इतनी बार रीलॉन्च किया है कि रॉकेट लॉन्चर ही खराब हो चुका है। मैं नवाज शरीफ बुलाने वालों को चैलेंज करता हूँ, एक दिन के लिए यास्मीन राशिद को जेल से निकालें और इन्हें पाकिस्तान की किसी भी सड़क से गुजार दें। अगर ट्रैफिक ब्लॉक ना हो जाए तो मुझे कहना। नवाज शरीफ ने डील करके अपने वो हालत कर दिए कि यास्मीन राशिद का मुकाबला तक नहीं कर सकते। इमरान खान तो बहुत दूर की बात है। दूसरी तरफ इमरान खान आसाबी जंग जीत चुके हैं, जेल में रहकर वो मजीद मजबूत हो चुके हैं। जब जब वो बयानिया बनाया गया इमरान खान टूट चुका है, तो उस वक्त बानी पीटीआई ने हथौड़ा मारा। साबित हो चुका की इमरान खान डील के चक्कर में नहीं। साथ ही इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के बैरान मुल्क जाने की खबर आनी तरमीम के साथ जुड़ी है। अगर आनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो जाते हैं तो नवाज शरीफ नहीं जाएंगे, अगर नंबर पूरे नहीं होते तो नवाज शरीफ वापस चले जाएंगे और बरतानिया में ही रहेंगे। अब नंबर गेम पर आ जाए, इन्हें 172 नंबर सादा अक्सरियत के लिए चाहिए, दो तहाई अक्सरियत के लिए 224 नंबर ही चाहिए होंगे। इस वक्त हुकूमत के सारे इतिहादियों को साथ मिलाकर 212 सीटें बनती हैं। नून लीग की अभी 12 सीटें कम है। अपोजिशन में फजल रहमान के पास 8 सीटें हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी फजल रहमान को बनाने में नाकाम हो गए। अगर फजल रहमान वोट दे भी दें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेनेट में हुकूमत के पास 57 लोग हैं, जबकि दो तहाई के लिए 69 लोग चाहिए। 12 सेनेटर कैसे पूरे करेंगे? अगर नंबर पूरे हो गए या करवा दिए गए तो नवाज शरीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात का मामला। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आरिफ अलवी एक हफ्ता अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ्फुज़ात सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात का मामला। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आरिफ अलवी एक हफ्ते अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले तमाम रहनुमाओं से मुलाकात और इनके तहफ्फुज़ात सुनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात का मामला। पीटीआई में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आरिफ अलवी एक हफ्ता अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ्फुज़ात सुनेंगे।
फवाद शकर के कत्ल का बदला लेने हिजबुल्ला मैदान में। इसराइल से कमांडर फवाद शकर के कत्ल का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला मैदान में। हिजबुल्ला का इसराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन तैयारों से हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल पर रात गए 320 रॉकेट और 100 से ज्यादा धमाकेखेज ड्रोन फायर किए गए। हिजबुल्ला ने शुमाली इसराइल में कायम मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन तैयारों और रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्ला ने अपने हमले में इसराइली फौजी तंसीबात और दिफाई निज़ाम आयरन डोम को निशाना बनाया। हमने अपने कमांडर फवाद शकर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर 320 रॉकेट फायर किए। यह हमारे बदले का सिर्फ पहला मरहला है जो अब मुकम्मल हुआ। हिजबुल्ला के हमले के बाद तल अबीब से आ जाने और जाने वाली तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया। हिजबुल्ला के हमलों के बाद इसराइल में आइंदा 48 घंटों के लिए एमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान। इसराइल के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में इसराइली जंगी तैयारों ने भी लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। इमरान खान को बचाने के लिए अहम मुल्क की एंट्री, नवाज शरीफ कब और क्यों जा रही हैं? सीनियर तर्जेकार और सहाफी नजम सेठी ने पहले ही सारी खबरें दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए नजम सेठी ने कहा, हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट सख्त परेशान है। अब तक जो कुछ हो रहा है वो सब कोशिशें नई आईनी तरमीम के लिए हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग करानी है, अभी तक इनके नंबर पूरे नहीं हुए, पता नहीं ये पूरे कर सकेंगे या नहीं। ये समझ रहे हैं कि जुडिशरी इमरान खान के हक में फैसला करेगी। इन्होंने आम कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की कोशिश की, अब शायद ये नया कानून लेकर आएंगे जो चीफ जस्टिस की तैनाती के बारे हो सकता है। मसला ये कि सीनियरिटी पर फैसला किया गया तो आने वाले जजेस पर पहले ही जानबदारी के इल्जाम लग चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों परेशान है, अदलिया आजाद नहीं है, खान साहब के हक में है, ये सोच एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत। नदीम सेठी ने कहा, जो चीजें चल रही है, एक तो राबते करने की कोशिश हो रही है जो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट और जजेस के दरमियान, दूसरी बात ये भी चल रही है की जब फैज हमीद का ट्रायल होगा तो मजीद जजेस के नाम भी, जिन जजेस ने खत लिखे शायद वो भी इस मामले से लेंगे। मौलाना से मुलाकातें सिर्फ इन्हें आराम करने की कोशिश है। अगर इलेक्शन कमीशन नई कानून साजी के बाद मखसूस नशिस्तें पर पुराना नोटिफिकेशन बहाल कर देता है तो फिर दो तहाई एक्सक्यूज मिल जाए। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के बारे में क्लियर है, वो जा रहे हैं, हो सकता है वो एक आध महीने के लिए जाएं फिर वापस आ जाएं। प्लान बन रहा है लेकिन अभी तक बकायदा फैसला नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस वक्त बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के खिलाफ मुहिम चलाए जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज है, हुकूमत और चीफ जस्टिस भी नाराज हैं। इन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि ये MI5 की एजेंट हैं। एक और इल्जाम ये है कि इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रही हैं। अगर दोनों इल्जाम गलत हैं तो इन्हें अपनी बातों पर वजाहत देना पड़ेगी। खबर ये भी है कि दफ्तर खारजा बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ एहतजाज भी करने वाला है। अलीमा खान की चैट किसने लीक की? मैंने मुंह खोला तो ये लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे। एंकर पर्सन मंसूर अली खान शदीद गुस्से में आ गए। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि ARY ने कुछ स्टिकर्स चलाए जो सारे के सारे अलीमीन गंडापुर से ही शुरू हुए। स्टिकर्स पढ़कर फौरी समझ आ गए कि खबर कहां से आई है। पूरी स्टोरी में गंडापुर को हीरो बनाकर पेश किया गया। पिछले 48 घंटे में अलीमीन गंडापुर को जितनी गालियां पड़ी किसी को नहीं पड़ी। जलसा मुलतवी करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, किसी में हिम्मत नहीं की इमरान खान का नाम ले सके, इसीलिए सारा बलबा अली अमीन गंडापुर पर डाला गया। गुजराना के हवाले से ARY की खबर सिर्फ और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। ये सियासतदान किसी जनरल के सामने जाते हैं तो 90 डिग्री पर सीधे खड़े हो, यही सियासतदान किसी वर्कर से हाथ मिलाते हैं, हाथ ढीला कर लेते हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि PTI का जलसा होगा, जब होगा उधर की इजाजत से होगा और जब होगा तगड़ा होगा। लावा पक रहा है, अभी आपके लीडरशिप सेम वेव लेंथ पर चलना चाहते हैं। वर्कर्स जिन्हें गालियाँ दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। अगर जलसा मुलतवी करने पर गालियाँ देनी है तो हिम्मत पैदा करें, इमरान खान को कहें, पूछें कि सिर्फ एक फोन कॉल पर ढेर क्यों होंगे। राव हसन के मोबाइल को खंगाला जा रहा है, ये सब बात वहीं से निकल कर आ रही है, सब इसको चला रहे हैं। लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि इंतजाती चैट को क्यों लीक किया जा रहा है, या कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसकी हकीकत क्या है। उन्होंने कहा, अलीमा खान की मुबैना चैट लीक हुई। आज से चंद महीना पहले पाकिस्तान के साथ वज़ीर-ए-आज़म का एक चैट ग्रुप बना हुआ था, इसमें खानदान के मुख्तलिफ अफराद शामिल थे। खानदान के एक शख्स की लड़ाई इस ग्रुप में होती है, जिसके बाद सारी तफसीलात मेरे सामने आ गई। तो क्या मुझे उस खानदान से मुताल्लिक सारी तफसीलात लीक कर देनी चाहिए थी? मेरे पास बहुत तफसीलात थी, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो ये लोग मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहे। यहाँ आपस में खानदान के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ सेल बनाए हुए हैं, जो एक दूसरे की ऐसी की तैसी फेस कर रहे हैं। फैज मीडिया को कैसे कंट्रोल करते थे? फैज की डीप स्टेट कैसे काम करती थी? फैज गैंग मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट कैसे हैंडल करता था? अफसार आलम ने सीने में दफन तमाम राज खोल दिए। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते अफसार आलम ने इंकशाफ किया कि फैज हमीद ISI के मतवाजी अपने सिस्टम के तहत रियासत के चारों सतूनों को कंट्रोल करते थे। फैज हमीद और इमरान खान ने कदम TTP को पाकिस्तान में बसाया। फैज हमीद ने ही निजी TV की नशरियात बंद करने का कहा। नवाज शरीफ को चोर का लगा भी इन्हीं के बंद होने में थे। अफसार आलम ने कहा, फैज हमीद जियो और डॉन न्यूज को बंद करना चाहते थे, लेकिन जब तक मैं चेयरमैन कैमरा था तब तक वो ऐसा नहीं कर सके। मुझे हटाने के बाद दोनों चैनल्स के नशरियात को बंद कर दिया गया ताकि मीडिया पॉलिसी पर कब्जा कर सके।
इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक सरबरा SEC के जफर हिजाजी ने कहा कि पैनामा बेंच में शामिल सुप्रीम कोर्ट जज अजमत सईद ने उस वक्त अटॉर्नी जनरल को कहा कि आपके पीछे जो शख्स जफर हिजाजी खड़ा है असल मसला इसने बनाया हुआ है। अजमत सईद और एजाजुल हसन आपे से बाहर हुए बैठे थे और इस हकदार को सजा देना चाहते थे। फैज हमीद का नेटवर्क सिर्फ पार्लियामेंट और अदलिया तक नहीं बल्कि बहुत वसी था। मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया कि सारा मीडिया मेरे पीछे पड़ गया। मनजम तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ के दौर में एक डिफॉल्ट होते मुल्क को 3 बरस में अपने पाँव पर खड़ा कर दिया गया था, लेकिन फिर इन्हें काम नहीं करने दिया गया। अब ये कर्नल लियाकत कौन है? सहाफी एजाज सईद ने भांडा फोड़ दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सहाफी एजाज सईद ने बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। बताया कि साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंट के लिए कर्नल लियाकत को बहुत ताकतवर बनाया था। पार्लियामेंट में ISI का दफ्तर बनाया गया जहाँ इंटेलिजेंस के अहलकार बैठते थे और कार्रवाई रिकॉर्ड करते थे। यही कर्नल लियाकत सुप्रीम कोर्ट में भी एक्टिव था और पैमरा में मदाखलत के लिए इसी का नाम आता है। एजाज सईद ने इंकशाफात के सिलसिले को बढ़ाते हुए कहा कि सेनेट पर मुकम्मल तौर पर जनरल फैज हमीद का कंट्रोल था। सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट भी फैज हमीद नहीं बनवाया। जब सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद आई तो ये फैज हमीद ही थे जिन्होंने सारी कार्रवाई नाकाम बनाई। सेनेट में कैमरे भी पकड़े गए मगर इनकी तहकीकात नहीं होने दी गई। अगर तहकीकात हो जाती तो कर्नल लियाकत के साथ साथ जनरल फैज हमीद भी पकड़े जाते। एजाज सईद ने इंकशाफ किया कि जब जियो न्यूज़ की नशरियात बंद की गई तो मियां शकील रहमान बहुत परेशान हो गए। चैनल की नशरियात जारी रखने के लिए पहली शर्त ये थी कि नवाज शरीफ को चोर कहा जाए, दूसरी तरफ शर्त ये थी कि इमरान खान की तारीफें की जाए, तीसरी शर्त ये थी कि अदलिया के किसी फैसले पर तंकीद ना की जाए, जबकि चौथी शर्त में कुछ सहाफियों के मुंह बंद करने निकालने का कहा गया। तुम मेरे बाप को नहीं जानते, कारसाज साने की मुल्जिमा की नई वीडियो वायरल। कराची के कारसाज रोड पर एक खातून नताशा की गफलत और तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया जिसमें मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जा बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। अब मुल्जिमा की एक नई वीडियो सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है जिसमें उसे ढिठाई का मुजाहरा करते हुए देखा जा सकता है। नताशा के अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा जाहिर हो रहा है कि इसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नई सामने आने वाली वीडियो में मुल्जिमा के गिर्द हजूम को भी देखा जा सकता है जबकि रेंजर्स के अहलकार मुल्जिमा के आगे पीछे मौजूद है। वीडियो में नताशा में किसी फर्द को कहती है तुम मेरे बाप को नहीं जानते। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो पर सारफीन ने पाकिस्तान के निजाम पर अफसोस का इजहार किया और तबसरे किए। एक अकाउंट में कमेंट किया गया है, उसमें लिखा है जो चीज खौफजदा करने वाली है वो ये है कि यहाँ इस मुल्जिमा को कोई पछतावा नहीं है, इसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यह इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि औरत किसी किस्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। एक और खातून सारिफ ने कहा इसे कोई पछतावा नहीं क्योंकि ये जानती है कि हमारे मुल्क में क्या होता है। एक और सारिफ ने कहा कि पाकिस्तान में कोई कानून है ही नहीं। कारसाज के इलाके में स्टेडियम के करीब तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों को रौंदती हुई दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई जबकि पुलिस ने हादसे की जिम्मेदार खातून को गिरफ्तार कर लिया था। बाकी की CCTV सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि सड़क पर पहले सिल्वर रंग की गाड़ी गुजरती है जिसके बाद जहाँ बहक होने वाले बाप बेटी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे होते हैं कि पीछे से व्हाइट रंग की गाड़ी बाइक को टक्कर मारती है। बाद में यही गाड़ी आगे जाकर सिल्वर गाड़ी को कुचलती है। मेरी बात याद रखें, हर सूरत पाकिस्तान क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा। पाकिस्तान के बांग्लादेश के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम सामने आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी टेस्ट में जीत पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने एक बयान में मोहसिन नकवी ने लिखा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पूरे मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पहली मरतबा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने पर बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम को जिस तरह से खेलना चाहिए था नहीं खेल सकी, कौमी टीम अगले मैच में कमबैक करेगी। निजी टीवी के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इस आजम का इजहार करते कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करके रहूंगा। मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इस तरह नहीं रहेंगी, बस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। वाज रहे कि पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है।